जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RWA की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें दोस्तों आपके 11,000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं, जो कि आपके स्पेशल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए यह बुक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। SSC के जितने भी दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से दोस्तों आने वाली परीक्षा दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और आपकी UP पुलिस के लिए भी। तो दोस्तों आप किसी भी दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बुक सफिशियंट रहने वाली है। इस बुक में दोस्तों आपके सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, और दोस्तों ये सारे प्रश्न वही हैं जो कि अभी तक SSC के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामों में प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं। तो आज का सेशन बहुत ही दोस्तों शानदार रहेगा। प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आने की संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। और आप लोगों के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए टोटल दोस्तों 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और दोस्तों आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो क्लास में दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे और दोस्तों उसका आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था कि हमारा जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस के टोटल 30 प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप सभी लोग पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी प्यारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पे आ सकें और दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, और इसके बाद दोस्तों इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके SSC CGL 2020 के एग्ज़ाम में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने किया है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं 5 जून, 5 सितंबर, 12 मई और दोस्तों 24 जनवरी। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है दोस्तों वो आपको प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन डी दिए हैं तो उन सभी का दोस्तों राइट आंसर है 24 जनवरी। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए, आप चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वैसे भी दोस्तों इसका जो PDF है वो मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा चुका हूं। और यदि आप तक PDF नहीं पहुंचा है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल में जाके इसका वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। SSC के 2020 के एग्ज़ाम का दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर या दोस्तों 25 नवंबर। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर दो। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपसे पूछा है, तो यह दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, और यह क्वेश्चन एग्जामिनर ने CDS के एग्ज़ाम 2019 में दोस्तों यह क्वेश्चन को पूछा था। किस एग्ज़ाम में दोस्तों? CDS के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, भारत में 21 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, या हम बोल सकते हैं 21 मई को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आपसे दोस्तों एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कभी कभी आपसे दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और कभी आपको डेट दे देता है, पूछता है कि बताइएगा इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको सभी दिवस और सभी दिवसों की डेट याद होनी चाहिए। तो 21 मई को दोस्तों आपको बताना है कि किस रूप में हम 21 मई को दिवस मनाते हैं। NRI दिवस मनाते हैं,
राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, या दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो युवा दिवस तो आप सभी को पता होगा कि युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। लेकिन 21 मई भी आप लोगों को पता है कब मनाया जाता है? यह दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता हूं कि ताकि आपको हमारे द्वारा कही गई एक एक बात आपके कानों तक पहुंचे। आप उसको 2 से 3 बार सुनोगे ना तो दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको याद हो जाएगा। वीडियो में ही दोस्तों आप यहाँ समझ लीजिए 70% आपको वीडियो में देखते देखते याद हो जाएगा। केवल दोस्तों आप हमारी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रोजाना आपको हमारी क्लासों को देखना है। आप लोग ये समझ लीजिएगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए आपके सबसे बेहतर रहता है कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कितनी बार कर रहे हो। हम एक वर्ड को दोस्तों कई बार दोहराते हैं ताकि आपको दोस्तों बातें समझ में आ जाएं, और जब आपके कानों में ये बातें जाएंगी तो दोस्तों आपके बातों में कानों में दोस्तों वो बातें गूंजेंगी तो आपको दोस्तों वहाँ पर क्या होगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, और बाकी का आप बाद में भी रिविजन कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ये भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से दोस्तों सभी को पता आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस, प्रश्न नंबर 5। SSC ने 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा था। अब आपको बताना है दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, 22 मार्च को, 5 जून को, या दोस्तों 11 जुलाई को, बताइए सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल संरक्षण दिवस आपसे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों 22 मार्च, याद रखिएगा। देखिए पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को मनाते हैं जल संरक्षण दिवस। तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर जल ही जीवन है, तो आप दोस्तों इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि पृथ्वी पर जल ही जीवन है। आपको एक का दिवस याद रखना है 22 अप्रैल और 22 मार्च, तो 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे, कब मनाया जाता है बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, या दोस्तों 10 दिसंबर को, प्रश्न नंबर 6। तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं तो आपको बताना है 7 अप्रैल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, पूछा है कि दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? सभी को पता है कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन किससे संबंधित है, किसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, किससे संबंधित है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं? तो जो है आपका मेजर ध्यानचंद। क्या दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद के संबंधित है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है आपका प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत के सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों? देखिए आप सभी को पता है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पता चल गया कि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न में ही दोस्तों आपको एक नया क्वेश्चन मिला, क्या सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को, लेकिन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये भी तो आपसे पूछा है, रघुराज बहादुर या CR राव, या फिर आपका दिया है KC श्रीधर पिल्लई, या दोस्तों PC महलनोबिस के। तो आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का डी है कि PC महलनोबिस की जयंती पर हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? UPPCS 2017 की परीक्षा का प्रश्न है, तो प्रश्न में ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा है कि सुमेलित नहीं है पूछा है, यानी कि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो कि उससे मेल नहीं खा रहा है, वो आपका प्रश्न जो ऑप्शन जो है वो गलत है, तो आपको गलत ऑप्शन को चुनना है। देखिए दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ये तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन विश्व जल दिवस मैंने आपको क्या बताया था, 22 मार्च और 22 अप्रैल। पृथ्वी पर जल ही जीवन है, तो 22 मार्च को आपका क्या आया, जल है, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दिया दोस्तों 30 जून, तो जो कि आपका गलत है, यही आपका गलत है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस आपका 30 जून को नहीं मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, आपको ये बताना चाहिए, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये भी एक नया पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा है एग्जामिनर ने। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा। ये भी चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 UPPCS 2019 की परीक्षा का प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्या पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपसे बताना है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 10। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है दोस्तों, वो आपका प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 10 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, तो एक बार आप लोग लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा, आप लोगों का 10 में से कितना स्कोर रहा है, तो लाइव चैट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का दोस्तों आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपसे पूछा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को, या दोस्तों 21 दिसंबर को। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा है आपसे। बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों से, आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आया हूँ, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों सेशन को शेयर नहीं किया, तो एक बार फटाफट दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों क्लास और भी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टेड हो सके। क्योंकि दोस्तों जब तक क्लास में ज़्यादा लोग नहीं आएंगे ना, तब तक दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा लोग आएंगे क्लास में, ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे, तो और भी ज़्यादा आपके अंदर दोस्तों और भी ज़्यादा मोटिवेशन होगा, ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा, तो आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि जब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं करेंगे, आप भी करेंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत को दोस्तों हमेशा दोस्तों बरकरार रखिएगा, कभी भी दोस्तों निराश मत होइएगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 11 का, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाते हैं। चलिए अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या हम बोल सकते हैं टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। SSC के MTS एग्जाम 2020 का आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, क्योंकि दोस्तों इस बुक में हम आप लोगों को बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुकों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप लोगों को मैंने अभी तक येलो बुक के साथ साथ स्टैटिक्स जीके में और भी आपकी जो अन्य बुक है, जैसे कि आपका खाकी बैच चल रहा है, उसमें जो भी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जो भी मैंने थ्योरी वाइज रिवीजन कराया है, वो सारा निचोड़ आपको दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक के दोस्तों एग्जामों में वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बहुत शानदार ईजी क्वेश्चन, देखिए CGL 2020 के एग्जाम में पूछ दिया, देखो इतना ईजी क्वेश्चन आया था CGL के एग्जाम में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि सभी को पता है कि जो मतदान वोट किया जाता है, वो आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, देखिए दोस्तों प्रतिवर्ष पूछा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि कल क्या था दोस्तों, कल आपका 14 सितंबर था, तो 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा 14। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर भी 14 ही है, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर भी दोस्तों 14 ही दिया गया है, 14 सितंबर इसका राइट आंसर है। जो कि आपका कल क्या था दोस्तों, कल कौन सा दिवस था, आपका हिंदी दिवस था, कल था ना,
कल कौन सा दिवस था दोस्तों? हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों? 14 सितंबर को मनाते हैं। तो कल दोस्तों आपका क्या था? हिंदी दिवस था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसके CGL 2020 के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला है दोस्तों सुशासन दिवस, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर करेंगे सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को। देखिए यहाँ से दोस्तों आपको एक नया क्वेश्चन याद रखना है, चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, डैश करके लिख लेंगे दोस्तों 25 दिसंबर को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये आपसे पूछा है, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों राजीव गांधी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दोस्तों सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिसमस डे जैसे आपको याद रखते हैं 25 दिसंबर बड़ा दिन क्रिसमस डे, तो ठीक वैसे ही आप दोस्तों सुशासन दिवस को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? NDA 2022 की परीक्षा का प्रश्न है, NDA के एग्जाम में दोस्तों आया था। NDA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल डिफेंस अकेडमी, सभी को पता होगा। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, यानी कि वीर बाल दिवस पूछा है दोस्तों, वीर बाल दिवस। तो प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों आपका ऑप्शन है 6 अक्टूबर है, 26 नवंबर है या दोस्तों आपका 26 दिसंबर है या दोस्तों 6 दिसंबर है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, और यह निर्णय दोस्तों किस तिथि को लिया है, और ये CGL 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, 7 जून, 5 मई, 12 मार्च, 23 जनवरी। बताएंगे प्रश्न नंबर 17 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को। हम कौन सा दिवस मनाएंगे? पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है प्रश्न नंबर 18, प्रतिवर्ष किसके जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? SSC 2020 का प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटेंगल, एलिस वॉकर, क्लारा बार्टन, मदर टेरेसा। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस किसके जन्म पर हम प्रतिवर्ष मनाते हैं? तो यह दोस्तों आपका फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्म दिवस पर या जन्म की वर्षगांठ पर हम अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत शानदार क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS 2019 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको बताना है 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का दोस्तों सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस को किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों संविधान दिवस आपसे पूछा कि संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, तो देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, और ये SSC के 2020 के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि संविधान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, जैसे कि संविधान दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है आपसे पूछा है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। देखिए 26 नवंबर जो लोग आंसर दे रहे हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आता है 21 प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है? देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा था कि खेल दिवस 29 अगस्त को किस किस संबंधित है, तो वो था आपका दोस्तों मेजर ध्यानचंद, लेकिन आपसे इसमें डेट पूछा तो सभी को पता होगा 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, आपसे दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में क्वेश्चन किया है सुमेलित करना है दोस्तों, आपको दोस्तों चार
विकल्प दिए गए हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दोस्तों आपको दिवस दिया गया है और सूची सेकंड में दोस्तों आपके घटना अवसर यानी कि आपके दिवस दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से आपको मिलाना है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको सही दोस्तों ऑप्शन को चुनना है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको दोस्तों मिलान करना है। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हमें देखो दोस्तों, यदि किसी एक का भी दोस्तों जैसे पॉइंट पता चल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रत्येक वर्ष 22 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये देखो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपके अभी दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 29 जुलाई को हम दोस्तों क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। क्या बताया दोस्तों, हम प्रत्येक वर्ष 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। समझिएगा दोस्तों बात को, 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका था, रिपीट था, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बताया था ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपके दो फेल हो गए। अब आपको बताना है 18 अप्रैल और 5 दिसंबर। देखिए दोस्तों, 18 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। कौन सा दोस्तों, विश्व विरासत दिवस। अब बचा आपका एक, 5 दिसंबर को हम विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। कौन मनाते हैं, विश्व मिट्टी दिवस, हम बोल सकते हैं मृदा दिवस। मृदा, मिट्टी को हम मृदा भी बोलते हैं तो मनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 का दोस्तों आपका 18 अप्रैल का हो जाएगा विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। तो आपका हो जाएगा, आपका जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो नंबर है वो आपका दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता हुआ प्रश्न नंबर 23। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस दोस्तों आपसे पूछा है, बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है, जो कि आपको सभी को पता है कि 16 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। जैसे कि आपका कल आपका क्या है दोस्तों, 16 सितंबर है ना, तो कल जैसे आपका डेट है 16 सितंबर, तो कल कौन सा दिवस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ओजोन दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब है दोस्तों, नेक्स्ट डे कल है आपका 16 सितंबर को। याद रखिएगा, कल का दिन भूल मत जाना, कल का दिन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। चलिए UPPCS 2022 का प्रश्न है दोस्तों, आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पूछा है कि दोस्तों कब मनाया जाता है बिहार दिवस, पूछा है 17 मार्च को, 27 मार्च को, 22 मार्च को या दोस्तों 12 मार्च को। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को दोस्तों आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे 21 सितंबर को, 23 अक्टूबर को, 19 जनवरी को या दोस्तों 6 मार्च को। प्रश्न नंबर 25, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों आपकी 19 जनवरी को हुई थी। तो 25 का ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है दोस्तों आपका कि 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न नंबर 27, विश्व हस्त प्रक्षालन जिसको हम बोलते हैं धुलाई दिवस, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, पहली बार आप पढ़ रहे हो लेकिन आपके SSC 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, किस तारीख को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, 6 दिसंबर को, 4 मार्च को या दोस्तों 24 जून को। तो प्रश्न नंबर 27 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को हम विश्व हस्त प्रक्षालन या दोस्तों धुलाई दिवस मनाते हैं। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 23 मार्च को, गणेश शंकर विद्यार्थी के। तो ये तो दोस्तों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना भैया ना, गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद के नहीं,
इनमें से कोई नहीं, भगत सिंह, बिल्कुल सही है, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव दोस्तों फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों आपका क्या हुआ था, इन लोगों को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, याद रख लीजिएगा आपके MP पुलिस SI 2017 के प्रश्न का प्रश्न परीक्षा में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 29 का, 7 जून को, 17 जुलाई को, 7 अगस्त को या दोस्तों 17 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या दोस्तों बिहार। याद रखिए रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपके RWE अंकित भाटी की ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की बुक में अभी तक SSC की जितनी भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने आप लोगों से कुल 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए थे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न थे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को प्यार दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार और जितना सपोर्ट हमें मिलता है, हम उतने ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है आप लोगों से ही, क्योंकि आप लोगों के द्वारा हमारा एक सदस्य द्वारा, क्योंकि आप लोग भी दोस्तों हमारे इस परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी दोस्तों इस परिवार के एक सदस्य हैं और इस परिवार को आपको आगे तक भी लेके जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार की देखभाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप अपने परिवार में रहते हैं अपने माता पिता के साथ में, तो वैसे ही दोस्तों आपको भी इसको एक अपना परिवार मानिए, हिस्सा समझिएगा और इस परिवार को आगे तक लेके जाइएगा। और हम भी आप लोगों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा जो कि आप लोगों को दोस्तों याद करके आना है, रिवीजन करके आना, तो मैं आपको टॉपिक दिए देता हूं। और हाँ, आप लोगों का स्कोर क्या रहा है इन 30 प्रश्नों में से जो हमने आप लोगों से महत्वपूर्ण दिवस में डिस्कस किए हैं, आप लोग सभी पर दोस्तों अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। काउंटिंग नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लोगों ने काउंट किए भी हैं तो आप लोगों का 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। और अगला जो टॉपिक है जो कि आप लोगों को तैयार करके आना है, तो वो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। जितनी भी दोस्तों पुस्तकें हैं उनके सारे लेखक दोस्तों आपको नेक्स्ट डे याद करके आने हैं, रिवीजन करके आने हैं, क्योंकि हम दोस्तों आप लोगों से डिस्कस करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो बहुत ही शानदार टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके दोस्तों टोटल जो प्रश्न हैं, प्रश्न तो दोस्तों इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो लेकिन दोस्तों इसको हम Part 1, Part 2 और Part 3 में हो सकता है कंप्लीट करें। कोशिश करेंगे कि आपकी दोस्तों इस टॉपिक की एक ही क्लास में सारे प्रश्न आपके डिस्कस कर लिए जाएं। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास को मैं यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कंटेंट कैसा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो एक बार आप लोग इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास के में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।